नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस 1985 की, जो एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शाह बानो बेगम 62 साल की एक मुस्लिम लेडी थी। 1932 में उनकी शादी इंदौर के एक फेमस एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान से हुई, लेकिन 1946 में अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। यह 1975 में उन्होंने शाह बानो को अलग रहने को कहा, क्योंकि वे अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते थे। अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए शाह बानो के पास कोई साधन नहीं था। शुरुआत में कुछ समय तक उनके पति उन्हें गुजारा करने के लिए कुछ सहायता कर देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया और 3 साल बाद यानी कि 1978 में मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें 3 बार तलाक कहकर इररिवोकेबल तलाक दे दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की इस महिला ने मदद के लिए लोकल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंडर उन्होंने अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में कहा गया है कि अगर पत्नी अपना गुजारा करने में असक्षम है तो पति को उसे शादी के दौरान और डिवोर्स के बाद भी एलिमनी या मेंटेनेंस देनी होगी। लोकल कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को हर महीने शाह बानो को 25 रुपए मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया। 1 जुलाई 1980 को शाह बानो ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिविजनल एप्लीकेशन लगाई, जिसके चलते कोर्ट ने मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाकर 179.80 रुपीस कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पिटीशन फाइल की। मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक पति को सिर्फ इद्दत के दौरान ही अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देनी होती है। दोस्तों, जनरली इस्लाम में इद्दत का ड्यूरेशन 3 महीने और 10 दिन का होता है, लेकिन अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो इसे चाइल्ड बर्थ तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। पति से डिवोर्स या उसकी डेथ के बाद के वेटिंग पीरियड को इद्दत कहा जाता है। इद्दत के बाद महिला किसी और से शादी कर सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने भी मोहम्मद को सपोर्ट किया। ये केस 1985 तक चला। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील को बैनिश करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और मेंटेनेंस में मिलने वाली अमाउंट को भी बढ़ा दिया और जजमेंट दी कि सेक्युलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हस्बैंड को अपनी डिवोर्सी वाइफ को तब तक मेंटेनेंस देनी होगी जब तक वे खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो जाती, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये डिसीजन हर किसी पर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट का हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए हस्बैंड्स को अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ एजुकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।